share with you very frankly what we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the Government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So, do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in if you have to understand what is going on out there. And our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened. Our consulates have been attacked, and often comments are made about there's interference in our politics, and a lot of this is often justified as saying, "Well, that's how democracies work." But if there are specific pieces of evidence that they provide, the government of India will cooperate with them in terms of I mean, look, following up. If somebody gives me something specific, it doesn't have to be restricted to Canada. But if there's any incident which, is an issue, and somebody gives me something specific as a government, I would look at it. Of course, I would look at it. विदेश मंत्री का न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में जयशंकर ने कहा कि हमने कनाडाई लोगों से कहा है कि ये भारत सरकार की नीति नहीं है. दूसरी तरफ हमने ये भी कहा है कि यदि आपके पास कुछ विशिष्ट है और यदि आपके पास कुछ प्रासंगिक है तो आप हमें बताएं. हम इसे देखने के लिए खुले हुए हैं. तस्वीर एक तरह से संदर्भ के बिना पूरी नहीं है. खास तौर पर कनाडा ने निज्जर की हत्या के बारे में दावे का समर्थन करने के लिए अभी तक कोई सार्वजनिक सबूत नहीं दिया है. भारत को वो सबूत नहीं सौंपे गए हैं. उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में कनाडा में काफी संगठित अपराध हुए हैं और भारत सरकार ने इस बारे में कनाडा को काफी जानकारियां भी दी, साझा की उनसे. अब जयशंकर ने आगे ये बताया कि बीते कुछ सालों में कनाडा ने वास्तव में अलगाववादी ताकतों, संगठित अपराध, हिंसा और अतिवाद से संबंधित बहुत सारे संगठित अपराध देखे हैं. वो सभी बहुत ही गहराई से मिले हुए हैं आपस में और हम विशिष्टताओं और जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं. हमने उन्हें संगठित अपराध और नेतृत्व के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जो कनाडा से संचालित होती है. बड़ी संख्या में प्रत्यर्पण अनुरोध है, आतंकवादी नेता हैं जिनकी पहचान की गई है, लेकिन अभी तक कनाडा ने उस बारे में कोई कदम नहीं उठाया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय राजनयिकों को मिलने वाली धमकी और भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर हमलों की इन घटनाओं पर चिंता जताई हुए कहा कि ये राजनीतिक कारणों से बहुत ही दुखद है जो भी हो रहा है कनाडा के अंदर, और ऐसा लगता है कि इसकी इजाजत खुद कनाडा सरकार ने दी है. जयशंकर ने आगे कहा कि हमारी चिंता ये है कि राजनीतिक वजहों से ये वास्तव में बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति बना रहा है जो कि सही नहीं है वैश्विक स्तर पर. इसलिए हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां हमारे राजनयिकों को धमकी दी जा रही है, हमारे वाणिज्य दूतावासों पर हमले किए जा रहे हैं. इसमें से बहुत कुछ अक्सर उचित ठहराया जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि लोकतंत्र इसी तरह से काम करता है.
यदि कोई मुझे विशिष्ट जानकारी दे तो इसे कनाडा तक सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना है जो एक मुद्दा है और कोई मुझे एक सरकार के रूप में कोई विशिष्ट जानकारी देता है तो मैं उस पर गौर जरूर करूंगा। पिछले हफ्ते की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक विस्फोटक बयान दिया जिसमें उन्होंने भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया और इस दावे को भारत ने स्पष्ट रूप से खारिज किया था और इसे बेतुका और प्रेरित बताया था। इन आरोपों के बाद भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया। तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत ने अपने नागरिकों और कनाडा की यात्रा करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा कि वो देश में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा के मद्देनजर बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।